तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गमसा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहाँ। तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गमसा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहाँ। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं अमित वृषांग और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वोकल्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसे अच्छा बनाते हैं और कैसे उसे मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं ट्रैक के साथ। तो गाइस, आई होप कि आपने ये सॉन्ग सुना होगा क्योंकि इसका ब्रेकडाउन मैंने पहले भी किया हुआ है कि कैसे इस गाने का अरेंजमेंट मैंने किया था। नाउ आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इसकी वोकल को प्रोसेस किया था। तो पहले हम किसी एक सेक्शन को लूप करते हैं। तो अभी जितनी प्लगइन्स इसमें मैंने यूज किए वोकल्स में, मैंने सारी ऑफ की हुई है क्योंकि मैं वही आपको दिखाऊंगा एक्सप्लेन करके कि मैंने क्या किया और क्यों किया, और मैंने इसका सेंस भी ऑफ किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम वोकल सुनते हैं और इसमें ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी चीज हमें फिक्स करनी चाहिए, क्या क्या गड़बड़ी है इस वोकल में। तो सुनते हैं इसको। ओ जहां दूर जिस से गए थे निकल, वैसे यादों ने कर दिया जैसे पहले, लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता हुआ, खामखा भी वजह। तो आई होप कि आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होगी जो कि इस वोकल में दिक्कत है, जैसे कि हमें फिक्स करना होता है मिक्सिंग के दौरान। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि मिक्सिंग इज ऑल अबाउट फिक्सिंग, कि जो भी दिक्कतें इसमें है वो हम फिक्स करते हैं मिक्सिंग में। जब मैंने सुना था वोकल्स को तो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई थी जो कि वोकल्स में गड़बड़ थी, जो कि मुझे फिक्स करना था, जो कि मुझे सही करना था ताकि वोकल अच्छे से ब्लेंड हो पाए। तो जब वोकल मुझको मिली, जब वोकल मैंने पहली बार सुना, तो जो सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में आया कि वोकल तो परफॉर्म बहुत अच्छी की गई थी, बहुत अच्छे से गाया गया था। तो ये तो गया प्लस पॉइंट, वोकल्स बहुत अच्छे से गाए गए थे, सुर में थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, वोकल्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक थे। डायनेमिक मतलब कहीं बहुत ज़्यादा लाउड थे, कहीं बहुत ज़्यादा कम थे। अब हम ह्यूमन है तो हमारी वोकल्स ऐसी होगी, कहीं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, बहुत ज़्यादा कहीं सॉफ्ट हो जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लाउड और सॉफ्ट होता है तो काफ़ी दिक्कत करता है ब्लेंड होने में। जहाँ वोकल लाउड होगा वहाँ पर क्या होगा कि मिक्स के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो अगली चीज़ जो मुझे ख़राब दिखी वो थी कि वोकल्स बहुत ज़्यादा मडी थी। और ये एक रिकॉर्डिंग ग्लिच होता है जब हम माइक से बहुत करीब आके गाते हैं, या फिर हमारा माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, हमारा प्रीएम्प नहीं अच्छा है, हाई क्वालिटी का नहीं है, तब जाके मडी वाली दिक्कत आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट दिक्कत मुझे दिखी वो ये थी कि वोकल में बहुत ज़्यादा एसेस थे। एसेस मतलब वो ट वाले साउंड, स वाले साउंड, ये जितने साउंड होते हैं त स, ये सब साउंड बहुत ज़्यादा थे जो कि वोकल्स को कहीं ना कहीं कान में चुभने वाला बना रहे थे। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, अगर वो जहाँ दूर जिससे, जहाँ भी स स वर्ड आएगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिब्लेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप स वाले साउंड सुन रहे हैं, मैं फिर से सुनाता हूं आपको। ठीक है, तो ये साउंड बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लाउड थी, जो एसेस थे, जो सिब्लेंस थे, बहुत ज्यादा लाउड थे। और भी बहुत सारी दिक्कत थी, कहीं कहीं वोकल्स काफी ज्यादा हार्श हो रही थी, मतलब वोकल चल रही है लेकिन कहीं कहीं जाते जाते इतनी पतली हो जा रही है कि कान में चुभने लग रही है। तो उसको मैं कहता हूं कि ओकेजनली हार्श, ठीक है, वोकल कहीं बहुत ज्यादा हार्श थी। मैं अगर आपको सुनाऊं तो जहां भी हाई पार्ट वहां पे आप देखेंगे वोकल चुभ रही है। ओ जहां दूर जिस से गए थे निकल, वैसे यादों ने कर दिया जैसे पर। जहां भी सस्टेन नोट है, जैसे कि यहाँ पे सस्टेन नोट काफी है, वहां पे काफी ज्यादा वोकल हार्श हो रही है। तो अगली दिक्कत थी कि वोकल्स बहुत ज्यादा स्लिपरी थी। ना आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्लिपरी वर्ड पहली बार सुन रहे हैं कि वोकल्स का स्लिपरी होना मतलब क्या होता है। जब वोकल्स में बहुत ज्यादा हाई एंड होता है या फिर एयर होती है या फिर ट्रेबल होता है तो क्या होता है कि वोकल्स पे रिवर्ब सही से बैठता नहीं है, वोकल्स को रिवर्ब पकड़ता नहीं, वो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर है, उसको हम कहते हैं स्लिपरी वोकल्स। ना जो ये डायनेमिक वाली दिक्कत है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कंप्रेसर से, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मडी जो था इसको हमने कंट्रोल किया था इक्वलाइजर से। कोई बहुत फैंसी प्लगइन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्लगइन है जो कि आपने सुना हुआ है बहुत ज़्यादा इसके बारे में। ऐसे इसको कंट्रोल किया मैंने डीएसआर से और डायनेमिक ईक्यू से, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि वोकल स्लिपरी थी बहुत ज़्यादा, तो डायनेमिक ईक्यू उसका एसेस भी हटा रहा था और ये जो स्लिपरीनेस है ये भी हटा रहा था, और इसके लिए जो इक्वलाइजर था वो भी काम कर रहा था, वो भी स्लिपरीनेस हटा रहा था। ना जो ओकेजनल हार्श वोकल थी जहाँ पे कहीं कहीं बीच बीच में बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रही, जैसा कि मैंने आपको सुनाया बीच बीच में पतली हो जा रही थी, उसको मैंने हटाया था डायनेमिक ईक्यू से। उसके बाद जो भी हमारा बचा एक आपका रिवर्ब एंड डिले, तो इस कारण डिले मैंने नहीं यूज़ किया।
उसका रीज़न है एक्चुअली, क्योंकि मैं जस्ट छोटा सा पार्ट कट करके लगा दिया था, मैं दिखाऊंगा आपको भी। और रिवर्ब मैंने यूज़ किया, रिवर्ब कैसे यूज़ किया मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वोकल चेन में मैंने यूज़ किया है ऑडियो ट्यून। ओके, मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने इसमें स्केल सेट किया और इसका रेडियन स्पीड मैंने 98 रखा, थोड़ा सा ह्यूमनाइज मैंने बढ़ाया। रेडियन स्पीड इसलिए मैंने कम रखा है क्योंकि वोकल्स के सुर अच्छे थे पहले से, बस हल्का सा टेक्सचर देने के लिए और हल्का सा पॉलिश करने के लिए मैंने ये ऑडियो ट्यून यूज़ किया, ना कि वोकल का सुर सही करने के लिए। इसको लगाने के बाद वोकल कुछ ऐसा साउंड करती है। इसके बाद मेरे वोकल चैन में एक कंप्रेसर है। ना मैं आपको बता दूं कि हर वोकल मैं अलग हिसाब से प्रोसेस करता हूं, ऐसा नहीं कि जो चीजें मैंने इसमें किया है वो सारी मैं वोकल्स में करता हूं। वोकल का डिमांड जैसा होता है, वोकल जैसे रिकॉर्ड होती है, वोकल में जैसे फील चाहिए उसके हिसाब से प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्रेस किया वोकल को, मैंने कंप्रेसर ऑन कर दिया यहाँ से और मैं आपको सुनाता हूँ। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों निकल दिया जैसे पहले। वैसे मैंने बहुत ज्यादा हार्ड कंप्रेसर किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि 3:1 के पास रेशियो इसका, और इसका रिलीज जो है वो काइंड ऑफ फास्ट है और अटैक एकदम फास्ट है। और मैंने थ्रेशोल्ड इतना सेट किया है कि गेन रिडक्शन, किसका गेन रिडक्शन करीब करीब -10 dB जा रहा है। आप पूछेंगे इतना ज्यादा मैंने कंप्रेस क्यों किया इसको, इसका आंसर यही है कि वोकल्स अप फ्रंट नहीं लग रही थी, थोड़ा सा पीछे लग रही थी, तो वोकल्स को अप फ्रंट लाने के लिए। इसलिए क्या होता है ना, जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना ये ऊपर आ जाते हैं, जब ये ऊपर आते हैं तो जब सारा पार्ट लाउड सुनाई देता तो हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा परसीव होता है कि वोकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, इसलिए मैंने वोकल्स को काफी ज्यादा कंप्रेस किया ताकि वोकल्स आगे आ जाए काफी। मैं एक बार कंप्रेसर बंद करके सुनाता हूँ और बीच में मैं चालू कर दूंगा। अब जैसा कि मैं बताया कि वोकल्स को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है, अब जैसे अगर ये वोकल है, मेरे गंदी ड्राइंग के लिए माफ करना मुझे भाई लोग, ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ बस इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। हम इसको जब कंप्रेस करते हैं, अब सपोज ये जो पार्ट है ये एसएस है, एसएस या इसको आप कह सकते हैं सिबलेंस, तो ये जो पार्ट है जो स स वाले या ट ट वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा चुभते हैं, हम कंप्रेस करते हैं उसके बाद जब मेकअप गेन अप्लाई करते हैं, पहले तो कंप्रेस किए हम तो ये पार्ट छोटे हो जाते हैं, ये पार्ट कुछ यहाँ पे आ गया, ये पार्ट कुछ यहाँ पे आ गया, और जब हम मेकअप गेन अप्लाई करते हैं तो ये पार्ट जो होता है ऊपर चला जाता है, तो जो एसएस होते हैं वो और ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुनाई देते हैं फिर एसएस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एसएस और भी तेज हो गया, जो स वाली साउंड है। वो जहां दूर जिससे गए, दूर जिससे गए। तो इतना तेज स स अगर सुनेगा लिसनर हमारा तो ध्यान नहीं दे पाएगा, उसके कान में चुभेगी ये चीज। ओके, उसका ध्यान हटाएगी सॉन्ग पर से, इसलिए मैंने यूज किया डीएसआर। इसके बाद मैं इसको चालू करूं। दूर जिससे गए। अभी ऐसे है, ये चालू करने के बाद अभी मैं बंद करता इसको, तो देखिए अब कैसे सुनाई देगा। दूर जिससे गए। और चालू करने के बाद दूर जिससे गए थे निकल, फिर से अगर आप सुनना चाहते हैं कौन सा पार्ट कट कर रहा है ये, कौन सा पार्ट हटा रहा है, तो वोकल्स में देखिए क्या हटा रही है। जो अब सुन रहे हैं वो सारा पार्ट इसने हटा दिया। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है डीएसआर यूज करने का। डीएसआर होता क्या है, डीएसआर एक मल्टी बैंड कंप्रेसर जैसा काम करता है कि जहाँ पे भी हाई पार्ट में जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसको दबा देगा। तो इससे क्या होता है कि वोकल्स थोड़ा सा, वोकल्स का ब्राइटनेस कम होता है, वोकल थोड़ी सी डल हो जाती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आप डीएसआर बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें। तो मैंने डीएसआर यूज़ किया क्योंकि ज़रूरत थी डीएसआर की ज़्यादा, क्योंकि एसएस बहुत ज़्यादा थे वोकल्स में। तो डीएसआर यूज़ करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक ईक्यू लिया और मैंने इसमें क्या किया कि जो मैं स्लिपरी वाली चीज़ बता रहा था कि मैंने इसका हाइज कट कर दिया, ताकि वो जो स्लिपरी वोकल्स हैं जहाँ पे हाइज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसको कम करने के लिए, ताकि रिवर्ब सही से अप्लाई हो और रिवर्ब इस पर अच्छा लगे, सूट करे, इसको आके हक करे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि वोकल्स मुझे मडी लगी, तो जब मडी वोकल होती है तो 200 से 300 के आसपास हमें खोजना रहता है कहाँ पे मड है और हमें वो कट करना रहता है। इसकी मड यहाँ पे दिखे, इसको मैं चालू करता हूँ ताकि वेव फॉर्म देख पाएँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा वेव फॉर्म जाएगा,
तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक ईक्यू का यूज किया ताकि वो जैसे ऊंचा जा रहा है उसको कट कर दे। जब मैं ईक्यू को ऑन करूंगा तो वो जो मड है वो काफी कम हो जाएगी, और जब मैं ईक्यू को ऑफ करूंगा तो आपको वो मड सुनाई देगा। वो जहां दूर जिस से गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दिया जैसे पहले। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता हुआ, खाम खा बेवजह खाब बुनती रही। इसके बाद मैंने फिर से एक EQ लिया। अगर हम इस EQ की बात करें कि ये EQ मैंने क्यों यूज़ किया, तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोकल्स जहाँ पे हाई जा रहे हैं, जहाँ पे सस्टेन्ड नोट है, वहाँ पे क्या है कि वोकल्स हार्श हो रही हैं, जो कि उसको स्लीपरी बना रहे हैं या फिर जो उसको ओकेजनली हार्श बना रहे हैं। कहीं कहीं पे वोकल बहुत ज़्यादा हार्श हो रही हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पे और दो डायनेमिक EQ बैंड यूज़ किया हुआ है, जिससे कि वो मड जो बच गई थी उसको क्लीन करने के लिए। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, सुनते हैं। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, ठीक है। आप देखेंगे वो जो लाइन आ रही है वो जहाँ फिर दूर जिससे, जो भी हाई लाइन है या फिर जो भी सस्टेन्ड नोट है, जो लाइन एक नोट लंबा खींचा जा रहा है, वहां पे ये जो बैंड होगा ये अपने आप नीचे आ जाएगा उसको दबाने के लिए, और ये जो बैंड है ये भी नीचे आ जाएगा मड को दबाने के लिए। अब ध्यान से देखिए। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दिया जैसे पहले। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट आपको होता है, वीडियो से रिलेटेड कहीं भी डाउट हो रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। तो इसको मैं करता हूं क्लोज। अब हम बात करते हैं अगली प्लगइन के बारे में। तो अगली प्लगइन मैं यूज़ किया हूँ वेव्स का API 550B। ओके, और ये प्लगइन यूज़ करने का रीज़न क्या है? तो जो वोकल्स की हाइज थी उसको मैंने पहले तो EQ से कट किया, उसके बाद मैंने वहाँ पे DSR लगाया, वो भी उसको कम कर दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पे लगाया था डायनेमिक EQ, वो भी उसको कम कर दिया, तो जो वोकल्स का ब्राइटनेस था वो चला गया। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड करने के लिए मैंने ये EQ यूज़ किया। नो, आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये EQ क्यों यूज़ किया, मैंने तो दूसरा भी EQ यूज़ कर सकता था। तो इस EQ का अपना एक टेक्सचर है, ओके, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी महंगी प्लगइन्स बिकती हैं। तो हम सुनते हैं इसके यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद में क्या डिफरेंस आ रहा है। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता हुआ, खामखा बेवजह ख्वाब बुनती रही। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दिया जैसे पहले। तो ब्राइटनेस वापस आ गया वोकल्स में, लेकिन वो हार्शनेस और वो एसएस नहीं वापस आए, क्योंकि वो चीजें हमने पहले ही खत्म कर दी है। ओके, इसके बाद मैंने यूज किया एक SSL चैनल, जो कि SSL G चैनल है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ये भी वोकल बस टेक्सचर के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने 14 dB किया, बस मैंने 5 dB बूस्ट किया थोड़ा सा। सुनते हैं इसको ऑन ऑफ करके। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दिया जैसे पहले। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता हुआ, खाम खा बेवजह ख्वाब बुनती। इसके बाद जो अगली प्लगइन मैंने यूज किया वो किया SSL EQ। तो इस प्लगइन से मैंने किया हुआ क्या है कि आप यहाँ पे अगर देखें इस नॉब पे, तो मैंने करीब 17 Hz के आसपास मैंने बढ़ाया हुआ है आपका 2 dB, थोड़ा सा हाइज और ऐड करने के लिए और इस प्लगइन का टेक्सचर ऐड करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने 200 Hz के आसपास इसका मैंने जो क्यू है वो मैंने चौड़ा किया, थोड़ा सा क्यू फैक्टर वाइड किया मैंने, और मैंने थोड़ा सा क्या किया कि इसको रिड्यूस कर दिया करीब 1 dB के आसपास। अगर आप मुझसे पूछें कि ये चीज़ मैंने यूज़ क्यों की है, तो ये चीज़ मैं यूज़ किया वोकल को क्रिस्प बनाने के लिए थोड़ा सा, और ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मैंने किया वोकल्स का लो मिड थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था लो मिड्स थोड़ा सा वोकल्स में अभी बचा हुआ था। तो मैं करता हूँ वोकल्स को प्ले और बीच में प्लगइन को मैं ऑन ऑफ करूंगा, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएं कि प्लगइन को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद क्या डिफरेंस आया है। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दिया जैसे पहले। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता हुआ। नाउ इसके बाद मैंने सबसे लास्ट में यूज किया एक SSL का कंप्रेसर।
एक बस कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है बस पे, जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक बस में जा रहे हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं ग्लू करने के लिए। ये ग्लू कंप्रेसर के नाम से फेमस है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो वेव्स की प्लगइन्स होती हैं वो फेमस होती हैं अपने सेचुरेशन के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि टोन के लिए या फिर कलर के लिए, तो ये चीज़ें ऐड करती हैं। नाउ जो ये प्लगइन है SSL कंप्रेसर, एक हार्डवेयर प्लगइन हुआ करता था, उसका सॉफ्टवेयर इमुलेशन है, और ये सिग्नल में वार्म्थ ऐड करता है, और इसी के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप देखें कि इसमें मैंने किया हुआ क्या है, तो इसमें अटैक मैंने एकदम लास्ट रखा हुआ है जो कि मैक्सिमम है 30 मिलीसेकंड, और इसमें रिलीज मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। रेशियो मैंने 4:1 रखा हुआ है, इसको आप 2:1 भी कर सकते हैं और 10:1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4:1 पे यूज़ किया हूँ। ये बाय डिफॉल्ट इसका रेशियो है जिसपे कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है। और इसके थ्रेशोल्ड नॉब मैंने गेन रिडक्शन मीटर देख के सेट किया है कि मैं उतना थ्रेशोल्ड सेट करूँ कि -1 dB के आसपास गेन रिडक्शन हो इसमें। -1 dB गेन रिडक्शन मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये प्लगइन यूज़ करने का मकसद मेरा डायनेमिक रेंज कंट्रोल करना नहीं है, बट वार्म्थ ऐड करना जो कि इसका टोन है। बट अगर मुझे वार्म्थ ही ऐड करना था तो मैं बस इसको लगा के छोड़ दिया होता, मैं इसको 1 dB गेन रिडक्शन नहीं किया होता। तो मैंने इसको सेट करके 1 dB गेन रिडक्शन पे इसलिए किया कि जो वोकल्स की पीक्स है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है पीक का, उसको ये कैच करे। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। पहले कैसा साउंड करी थी मैं बंद करके आपको सुनाता हूँ। तो अभी तक ये सारी चीज़ें करने से फ़ायदा क्या हुआ है वोकल्स को, कि इसकी डायनेमिक रेंज सही हो गई है, इसका जो मडीनेस था वो खत्म हो गया, इसमें जो एसएस थे जो बहुत ज़्यादा सिबलेंस थे जो कान में चुभ रहे थे वो कम हो गए हैं, ऑकेजनली कहीं कहीं हार्श हो जा रही थी, जहाँ पे सस्टेंड नोट थे वो कंट्रोल हुआ, जहाँ पे हार्श हो रहा है वहाँ पे डायनेमिक ईक्यू उसको दबा दे रहा है, और जो स्लिपरी वोकल्स थी वो हमने पहले ईक्यू से कट करके उसको हमने रिजॉल्व किया। अब बात आती है डायमेंशन ऐड करने की। तो मैं जाता हूँ इसके सेंड बस में जहाँ की मैंने रिवर्ब ऐड किया हुआ है। तो मैं जाता हूँ रिवर्ब बस में, और सबसे पहले मैंने रिवर्ब बनाया जिसमें कि मैंने प्री डेली यूज़ किया 20.5 मिलीसेकंड, ताकि वोकल्स हमें क्लियर सुनाई दे और रिवर्ब भी हमें क्लियर सुनाई दे, बट थोड़ा सा अंतर हो दोनों के बीच में, तो 20 मिलीसेकंड का अंतर मैंने रखा हुआ है। रिवर्ब टाइम की बात करें या रिवर्ब लेंथ की बात करें या डीके की बात करें, तो इसको मैंने रखा है 2.71 सेकंड, और साइज मैंने रखा है 86। इसके अलावा मैंने डैम्पिंग को लो पार्ट में कम किया हुआ है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे रिवर्ब मैंने ईक्यू किया। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैं रिवर्ब ऑन कर देता हूँ ताकि आपको रिवर्ब सुनाई दे, और फिर हम आते हैं रिवर्ब बस पे। यहाँ से मैंने ईक्यू खोला हुआ है। वो जहां दूर जिससे गए थे निकल। आप लोग में से काफी लोग के माइंड में होगा कि मैंने रिवर्ब को क्यों ईक्यू किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वोकल्स को प्ले करता हूँ और मैं ये रिवर्ब वाला जो ईक्यू है इसको मैं ऑन ऑफ करूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मैंने रिवर्ब को ईक्यू क्यों किया। रिवर्ब में बहुत सारी फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि लो फ्रिक्वेंसी से जो कि बहुत ज़्यादा मडी करेंगे वोकल्स को दोबारा, और पूरे मिक्स को मडी करेंगे। इसके बाद मैंने दूसरा ईक्यू यूज़ किया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने रिवर्ब में भी ऐसा ईक्यू यूज़ किया। जब वोकल में थोड़ा भी स वाला पार्ट आया तो उसको क्या करता है कि रिवर्ब उछाल देता है हमेशा, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अगर हम कहीं स वाले पार्ट पे इसको सुने इसको ऑफ करके, तो जहाँ भी जिससे या स पार्ट आ रहा है वहाँ पे रिवर्ब उछल रहा है। अभी मैं इसको ऑन करूंगा तो वहाँ पे रिवर्ब जैसे उछलेगा ये दबा देगा उसको। वो जहां दूर जिससे गए। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया। इसके बाद मैंने एक यूज किया यहाँ पे S1 इमेजर, जो कि रिवर्ब को थोड़ा सा वाइडन करने के लिए, थोड़ा सा उसको स्प्रेड करने के लिए मैंने यूज किया हुआ। मैं इसको ऑफ करता हूँ, आप रिवर्ब सुनिए, उसके बाद मैं इसको ऑन करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अब बात आते हैं कि इस वोकल में मैंने डिले क्यों नहीं यूज़ किया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको कट करके वोकल्स का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैं सोलो करके सुनाऊँ, फिर यहाँ पे अभी अगर मैं वोकल के साथ सुनूं तो ये डिले का काम करता है। क्यों गम सा है, बस नहीं लगा क्यों, फिर वो जा,
तो बेसिकली गैप फिलिंग का काम होता है डिले यूज करने का, और वो गैप्स मैंने इस तरीके से फिल करते इसलिए मुझे डिले यूज करने की जरूरत नहीं लगी। तो गाइस आई होप कि आपको नई चीजें मिली होंगी इस ट्यूटोरियल में सीखने के लिए। कोई भी डाउट है आपका आप कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, या फिर अगर आप नए हैं पहली बार आए चैनल पर तो वेलकम और सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप जाके मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहता हूँ जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या एक मिक्स इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।